आकाश आनंद मायावती के छोटे भाई आनंद कुमार के बेटे। आकाश पिछले कई सालों से पार्टी में एक्टिव हैं। उन्होंने हाल ही में हुए 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बखूबी जिम्मेदारी संभाली, लेकिन जब से बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, तब से ही हर तरफ आकाश आनंद के चर्चे हैं। आकाश आनंद आजकल राजनीतिक रैलियों के अलावा अपने इंटरव्यू को लेकर सुर्खियों में हैं। सोशल मीडिया पर भी वो पार्टी को नया कलेवर देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे इसमें कितने कामयाब हो पाएंगे? साथ ही क्या वो मायावती की जगह बीएसपी का चेहरा बन रहे हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और मैं हूं आपके साथ गुलविश। कभी अपने दम पर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने वाली बहुजन समाज पार्टी की राजनीतिक हैसियत पिछले चुनावों में काफी घटी है। पार्टी ने पिछला लोकसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में लड़ा और 10 सीटें जीती, लेकिन इस बार बीएसपी अकेले चुनाव लड़ रही है। आकाश आनंद मानते हैं कि ये पार्टी की सोची समझी रणनीति है। आकाश आनंद ने बीएसपी को बीजेपी की बी टीम बताए जाने के आरोपों को खारिज किया, लेकिन चुनाव के बाद बीजेपी के साथ जाने की संभावना से जुड़े सवाल पर कहा कि क्या बीएसपी का मकसद राजनीतिक सत्ता में आना है। उन्होंने बीजेपी के साथ जाने की संभावना को स्पष्ट रूप से खारिज नहीं किया। वो कहते हैं कि इसके लिए पार्टी जो सही होगा करेगी। अगर हमें सत्ता के लिए किसी की मदद लेनी पड़ेगी तो हम इसका इस्तेमाल जरूर करेंगे। आकाश कहते हैं कि बीएसपी का अंतिम लक्ष्य ये है कि वो सत्ता में आए ताकि बीएसपी अपने समाज के लिए काम करे। इस्तेमाल करने को आकाश कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं। बकौल आकाश, इस्तेमाल करने की परिभाषा ये होती है कि हम अपने विचारधारा से समझौता नहीं करेंगे, हम अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करेंगे, हम उनका इस्तेमाल करेंगे ताकि हम अपने लोगों की सेवा कर सकें। बहुजन समाज पार्टी एक कैडर आधारित पार्टी है। कांशीराम के बाद पार्टी की कमान मायावती के हाथ में आई। मायावती अभी भी पार्टी की सबसे बड़ी नेता हैं। हालांकि आकाश आनंद को उनके उत्तराधिकारी की तरह पेश किया गया है और इस बार बहुजन समाज पार्टी के चुनाव अभियान की शुरुआत भी आकाश आनंद की रैलियों से हुई है, जिसके बाद आकाश को राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाने को लेकर बीएसपी वंशवाद के आरोप के घेरे में है, जिस पर आनंद ने कई बार अपनी रैलियों में जवाब दिया है। आनंद कहते हैं कि उनसे और परिवार को आगे रखने से पहले बहन जी ने कम से कम 4 लोगों को मौका दिया जो परिवार से नहीं थे, लेकिन वो जिम्मेदारी नहीं निभा पाए। कुछ वक्त बाद पार्टी के सीनियर लीडर्स ने सलाह दी कि परिवार से ही किसी को आगे बढ़ाया जाए। कस्टोडियन के रूप में उसके बाद आनंद को जिम्मेदारी सौंपी गई। आनंद कहते हैं कि वो कस्टोडियन की तरह है, ना कि उत्तराधिकारी। ये विरासत नहीं है बल्कि जिम्मेदारी है जिसे वे ऐसे ही निभाएंगे। बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है। इसकी वजह है शायद बीएसपी ने इस बार अलग संदेश देने की कोशिश की है। दरअसल पार्टी के पास उसके अपने मतदाता हैं और यही पार्टी को अकेले लड़ने का आत्मविश्वास देता है। बहुजन समाज पार्टी ने इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ी मुसलमान आबादी वाली सीटों पर 5 मुसलमान उम्मीदवार दिए हैं। भले ही अभी मुसलमान वोटर बीएसपी के साथ मजबूती से ना हो, लेकिन पार्टी मुसलमानों को साथ लाने का प्रयास तो कर ही रही है। आकाश आनंद ने अपनी रैलियों में कई बार भावुक भाषण दिए हैं। इस दौरान वो एंग्री यंग मैन के रोल में नजर आए। राहुल गांधी, अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद जैसे नेताओं से तुलना करने पर आकाश की राय है कि अखिलेश किसी भी समाज के मुद्दे को सही तरीके से सामने नहीं ला पा रहे हैं। वहीं राहुल गांधी की पार्टी ने देश पर 60 से ज्यादा साल तक राज किया, लेकिन वे आज तक भी पिछड़े समाज का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाए और अब वे और वक्त मांग रहे हैं, जिसके लिए देर हो चुकी है। आकाश आनंद भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर पर बचते हुए नजर आए। वे चंद्रशेखर को एक राजनीतिक खतरा नहीं मानते, लेकिन आपको बता दें कि बेशक आकाश उन्हें खतरा ना माने, लेकिन देश का पिछड़ा वर्ग चंद्रशेखर को बीएसपी का विकल्प मानने लगा है और इसकी गवाही चंद्रशेखर को देख कर युवाओं में आया जोश देता है। आकाश आनंद नोएडा में जन्मे हैं और गुरुग्राम से स्कूली शिक्षा हासिल की है। उन्होंने लंदन की यूनिवर्सिटी ऑफ प्लायमाउथ से एमबीए की पढ़ाई की। सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले पर बीएसपी को पढ़ाने वाले आकाश आनंद परंपरागत राजनीति से इतर हर मोर्चे पर पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने में कामयाब रहे हैं। सोशल मीडिया पर आकाश का अकाउंट काफ़ी एक्टिव रहता है। वे युवा पीढ़ी को जोड़ने के लिए कोशिशें करते हैं। वहीं इसी बीच लगातार सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या मायावती के उत्तराधिकारी आकाश आनंद
आनंद इस लोकसभा चुनाव में बीएसपी के लिए कुछ कमाल करेंगे? नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।